Hello and namaskar my dear infants of class 9th. In this video I am going to give you the practice paper for your annual practical exam. So let me start here. In this practical paper you will get 3 Python programs, then 10 marks theoretical questions, then 15 marks viva will be there, then your practical file will be considered as a one record. So that will be of 10 marks. So let me start this question paper. So here I have given these 3 programs. I will demonstrate how to write this program and how to do the coding. So let me start. Myself Sanjay Parmar, I welcome you all on my channel ट्यूटोरियल AICSIT. तो यहाँ पे मैंने 3 प्रोग्राम लिए हैं. तो ये 3 प्रोग्राम जो है वो आपके टीचर जो है वो आपको देंगे, जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया है उसके ऊपर से. तो यहाँ पे मैंने मेरे स्कूल में फॉर लूप तक ये सिलेबस कंसिडर किया है, तो यहाँ पे उस तक के ही प्रोग्राम मैंने रखा है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पे है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट डिस्टेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला. डिस्टेंस इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT square. So this is the formula. So according to this we have to do. So here I am just opening my Python IDLE. So just click on start button. Here you will get Python IDLE in program list. So Python 3.8 I have. So I have opened this. Now next step, when you open this you have to click on the script mode, because by default Python screen will open in interactive mode. So remember, this type of question may be asked in the theory 10 marks written test. By default Python opens in which type of mode? So there the mode will be interactive mode. So here this is interactive mode where you can execute your line of codes, but here few lines are there, then only you can use this mode, otherwise you have to use script mode. So here we are doing programs which contains more than one line. So when you have smaller line 2, 3 something like that, you can run over here in interactive mode. So remember this point, it can come in written test as well as it can come in theory exam also, but in class 9 Python theory will be not there. So now let me start. यहाँ पे सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट मोड पे ओपन कर लेता हूँ. तो ये न्यू फाइल करते ही स्क्रिप्ट मोड यहाँ ओपन हो जाएगा. अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, तो मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करिए प्रोग्राम राइटिंग की. तो प्रोग्राम राइटिंग की स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कमेंट, और कमेंट में हमें ये लिखना है कि आप किस चीज के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए कमेंट में मैं लिखता हूं सपोज प्रोग्राम 1. तो ये मेरा प्रोग्राम 1 है और वो है डिस्टेंस. ओके, सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन. उसके बाद हम लिखेंगे DEF और इस कोड में हम फंक्शन का नाम ले लेते हैं डिस्टेंस फाइंडर. और यहाँ पे कॉलम करना मत भूलिए. आप क्या करते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट सारी चीजें लिख देते हैं, कॉलम लिखते नहीं है लास्ट में, उसके बाद सिंटेक्स एरर आता है. तो जो भी ब्रैकेट ओपन किया उसको क्लोज करना काफी इंपॉर्टेंट है. और दूसरी चीज, जो आप फंक्शन शुरू कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में, तो वहां पे कॉलम होना जरूरी है. तो ये फर्स्ट लाइन में आपको ध्यान रखना है. कमेंट आप जब भी यूज करते हैं हैश साइन या तो ट्रिपल कोट्स आने चाहिए. ट्रिपल कोट में डबल कोट किया तो नहीं चलेगा, सिंगल कोट किया तो नहीं चलेगा. ट्रिपल कोट चाहिए अगर मल्टीपल लाइन है तो. यहाँ पे सिंगल लाइन है इसलिए मैंने हैश यूज किया है. तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी. आप भूल जाते हैं. मैंने आज देखा कि काफी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए आए थे, तो आप लोगों ने वहां पर यही ऐसे कॉमन मिस्टेक्स किए हैं. उसके बाद यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो इनपुट डिसाइड करना है. तो आप प्रोग्राम डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे. तो यहाँ सबसे पहले आपको समझना है, यहाँ फॉर्मूला क्या दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. तो यहाँ पे कितने अलग अलग वेरिएबल है, आपको सबसे पहले इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा फॉर्मूला को. तो फॉर्मूला में क्या है UT. तो मैथ्स में हम UT लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है U इंटू T. तो ये होता है UT. और AT स्क्वायर का मतलब क्या होगा, A इंटू T ऐसे होगा. तो आपको ये फॉर्मूला वहां पे लिखनी है. तो हमेशा से याद रखिए आप कैसे पाइथन में इसे कन्वर्ट करेंगे. तो इसके लिए इनपुट आपको सोचना है कौन से वेरिएबल यहाँ इनपुट है. तो सबसे पहले आपको लेना है U, उसके बाद लेना है T, उसके बाद लेना है A. T हमने ऑलरेडी ले लिया है तो वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो 3 वेरिएबल इनपुट आएंगे U, T, A. तो यहाँ पे जो भी आप जानते हैं UT A का फुल फॉर्म क्या है वो भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट वेरिएबल रखिए. तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वेरिएबल यूज कर लेता हूँ. तो चलिए जाते हैं अपने यहाँ पर. सबसे पहले U इक्वल टू, तो यहाँ पे हम डालेंगे इंटीजर और यहाँ पे ले लेंगे इनपुट. और ये ब्रैकेट देखिए आप क्या करते हैं, इनपुट लिखने के बाद ब्रैकेट लिखते हैं हमेशा से। जब ब्रैकेट आता है तो यही फॉलो करिए आप प्रोसीजर में। यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, कैसे करता हूँ देखिए, मैं जैसे ब्रैकेट ओपन करता हूँ तुरंत ही क्लोज कर देता हूँ तो बाद में एरर आएगा ही नहीं। आप क्या करते हैं, पहले ओपन ब्रैकेट फिर इनपुट फिर ओपन ब्रैकेट, तो लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट में सिर्फ एक ही ब्रैकेट डालते हैं। तो आज ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या, ऑलमोस्ट 98% स्टूडेंट ने यही गलती की थी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन किया तो तुरंत क्लोज कर दीजिए, उसके बाद बीच में जाकर के जो भी लिखना है वो लिखिए। तो यहाँ पे फिर से यहाँ हम लिखेंगे, चल आजा भाई इनपुट, तो यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट पहले डाल दिए, देखिए आप। तो ये आपको हमेशा से ध्यान में रखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज तुरंत कर देना है। तो ये टिप्स मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद डबल कोट्स, तो इनपुट के साथ हमेशा ब्रैकेट में डबल कोट्स आएंगे। कुछ लोग यहाँ सिंगल कोट करते हैं, एंड में डबल कोट करते हैं, तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे मैंने पाए आज। तो इसलिए आप ये हमेशा ध्यान रखिए, इनपुट लिखते हैं तो उसके अंदर डबल कोट्स भी डालने जरूरी है। अब यहाँ पे मैसेज डालिए, क्या एंटर करेंगे आप, वो डायरेक्ट नंबर यहाँ नहीं एंटर करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा किया था, 10 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, वो गलत है, वो हम आउटपुट स्क्रीन पे डालेंगे। तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ यू, तो यहाँ पे ये डाल दिया मैंने। उसके बाद हमें नेक्स्ट वेरिएबल चाहिए टी, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बच जाएगा, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे टी, तो जितना जल्दी खत्म हो सके उतना कर पाएंगे आप अगर ऐसे टाइम बचेगा तो। अब देखिए यहाँ टी करना है, सेम अगेन कॉपी पेस्ट फॉर ए, तो यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे हम कर देंगे ए। तो यहाँ पे तीनों वेरिएबल हमने इनपुट कर ली है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस, चलिए डी ही रख देता हूं मैं, डिस्टेंस के लिए डी इक्वल टू यू टी। तो सबसे पहले यू इंटू टी, इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए यू इंटू टी, ताकि हम पहले यू टी करेंगे, उसके बाद 1/2। तो 1/2 यहाँ पे आता है तो उसे आप वैसे ही लिख सकते हैं 1/2, या तो फिर अलग से लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 0.5 वैल्यू कंसीडर करके इंटू ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए इंटू टी, तो ये हो गया आपका ए टी स्क्वायर। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए फिर डबल स्टार करिए और 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे ए इंटू टी इंटू ये कर लेगा, ए टी स्क्वायर है तो आप ऐसे ब्रैकेट में भी इसे कर सकते हैं, ताकि जिस प्रकार से आप यूज करेंगे वैसे आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया है यहाँ पे, आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट डी, रन करता हूं मैं इसे। और यहाँ पे मैसेज अगर लिखना है डिस्टेंस डी, और यहाँ पे फाइनल जब कॉल करते हैं तो डिस्ट _ फाइंडर, ऐसे यहाँ पे लिखना है। इतनी चीज हो जाए उसके बाद रन करिए, रन, यहाँ पे रन मॉड्यूल। अब जैसे आप रन करते हैं पूछेगा सेव कहाँ करना है, डायरेक्ट नाम लिख करके सेव मत कर दीजिए। आप यहाँ पे डी ड्राइव में अपना एक फोल्डर बनाइए, मैं यहाँ पे डी ड्राइव में फोल्डर बनाता हूँ, लोकल डिस्क ई में बनाया मैंने, चलिए डी में ले लेता हूँ। और यहाँ पाइथन प्रैक्टिकल ऐसा फोल्डर आप बना लीजिए और पीछे आपका नाम डाल दीजिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास 9। आपको करना है पाइथन प्रैक्टिकल, योर नेम, आपका नेम या रोल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे prog1, तो ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रन हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। तो आप अगर ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो एरर नहीं आएंगे। ब्रैकेट हमेशा से याद रखिए, जैसे ओपन किया तुरंत क्लोज कर दिया, उसके बीच में जाकर के आगे वाले चीजें लिखिए। जो DEF लिखते हैं वहां पे कॉलम मत भूलिए, तो ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, 10, 2 और ए डाल देता हूं मैं 3, और यह इसका फाइनल आउटपुट। तो ये पहला प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट इंसेंटिव फॉर सेल्समैन बेस्ड ऑन देयर सेल्स अमाउंट गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे एक टेबल में सेल्स अमाउंट दिया है, दूसरे में बोनस दिया है। ऐसे प्रोग्राम कोई भी आ सकता है, एक टेबल में ऐसे कुछ रेंज दी होगी, दूसरे टेबल में कैलकुलेशन के लिए आपको वैल्यूज दी होगी। तो आपको वो देखना है कि कौन सा है क्या है, उसके हिसाब से प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे देखिए सेल्समैन 0 to 1000 3%, 1000 to 3000 5%, 3001 to 5000 8%। तो यहाँ पे देखिए इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है। आप समझेंगे तो इजीली कर पाएंगे। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया, इसे क्लोज कर दीजिए। अब मैं ले लूंगा यहाँ पे नई फाइल, फाइल न्यू। अब देखिये इस न्यू में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ DEF, चलिए इसे prog2 ही कर लेते हैं, उतना बड़ा नाम लिखना है इसे सिंपल नाम रख देगा proc2। अब यहाँ पे इनपुट क्या होगा तो देखिए, पहले पढ़िए कि क्या चीज है इसमें। तो इंसेंटिव फॉर सेल्समैन बेस्ड ऑन देयर सेल्स अमाउंट, तो सेल्स अमाउंट हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी ताकि ये सेल्स अमाउंट यहाँ पे है, और बोनस हम कैलकुलेट करेंगे वो फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं SA, सेल्स अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म इंटीजर। अगेन देखिए मेरा ट्रिक वही रहा है, मैंने ब्रैकेट पहले क्लोज कर दिया, डबल कोट्स पे दोनों डाल दिए, इसके बाद यहाँ पे मैं से एंटर द सेल्स अमाउंट, और यहाँ पे जैसे हम सेल्स अमाउंट डालेंगे उसके बाद सीधा इफ कंडीशन आएगा, ताकि ऐसी अगर रेंज आपको दी है टेबल में तो यहाँ पर आपको यूज करना है इफ एल्स। तो यहाँ पे देखिए इफ पहले कंडीशन में इफ आएगा, उसके बाद एलिफ 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 एलिफ, तो लास्ट तक एलिफ करना है, लास्ट में इनवैलिड सेल्स अमाउंट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला 0 to 1000 है, तो यहाँ पे मतलब 0 नहीं आएगा, यहाँ 1 होना चाहिए, मैंने 0 गलती से लिख दिया है, 0 नहीं होगा, 1 to 1000। तो यहाँ पे इफ ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ऐसे लेस देन इक्वल टू 1000, वहां जो लिखा है उसके बीच में ऐसे आप डाल दीजिए, ये वाला जो है वो यहाँ पे आएगा ये, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन, ताकि इफ आपका ब्लॉक है तो कॉलन करना जरूरी है। कॉलन मत भूलिए आप सेमीकॉलन कर देते हैं, दूसरी कोई और चीज भूल जाते हैं, एंटर दे देते हैं। अब उसके बाद इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन मतलब क्या, ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अब तक हम ऐसे करते थे, एंटर करिए, जहां कर्सर रुकता है वहीं से टाइप करना शुरू करिए, ना तो स्पेस प्रेस करना है ना तो टैब, कुछ नहीं, डायरेक्ट यहां से टाइप करेंगे हम। तो यहाँ पे कितना परसेंट है सॉरी यहाँ पे कितना परसेंट है 3%। तो 3% हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा बोनस बी इक्वल टू ऐसे इंटू 0.03, 3% का मतलब ये है 0.03, यहाँ बोनस कैलकुलेट हो गया है। चलिए अब आगे नेक्स्ट रेंज ले लेंगे, तो नेक्स्ट रेंज हमारा है 1001 to 3000। तो आपको अगर एक लिखना आ गया है तो इसे कॉपी कर लीजिए और इसी चीज को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, LEL लिख दीजिए, इफ तो ऑलरेडी हमने कॉपी करके रखा है। इतना सिंपल है, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। और यहाँ पे सेम दोनों चीजें भी कॉपी कर सकते हैं, ताकि हमें सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। तो चलिए मैं आपको वही दे देता हूँ, ये मैंने दोनों कॉपी किया, और यहाँ EL लिखने के बाद एलिफ लिखने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखिए अब यहाँ पे कितना परसेंट है, सिर्फ देखिए क्वेश्चन में 5%, तो यहाँ पे डाल दीजिए 0.05। अब ये चीज कंटिन्यूअस रहेगी, इसे कॉपी कर लेंगे और इसे फिर यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये 1001 to 3000 है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए और यहाँ पे कर लीजिए 3000। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2001 से लेकर के 5000, तो यहाँ पे कर लीजिए 50, तो मतलब 5000 हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज क्या है 358% है, तो 8 डाल देंगे। नेक्स्ट में है यहाँ पे 5001 से लेकर के 5001 to 8000, तो यहाँ पे आ जाएगा 8000, ये 80 हो गया सॉरी। और यहाँ पे है 10%, तो 10% डाल देंगे। यहाँ पे 0.1 भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं। एक और कंडीशन बचा है अपने पास, 8001 से लेकर के यहाँ पे 10000, तो ये भी रेंज दिया है, तो आप कर लीजिए 10000। और यहाँ पे आएंगे एल्स, लास्ट में प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट इनवैलिड इनपुट। तो ये एक मैसेज आपको जनरली यहाँ पे डालना है, बस ये प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, हमारा जो भी आउटपुट आएगा प्रिंट द बोनस फॉर सेल्समैन इज, और यहाँ पे कॉमा करिए और यहाँ पे डाल दीजिए बी। तो ये भी ध्यान में रखना है, जैसे डबल कोट किया मैंने, साथ में कंप्लीट किया, उसके बाद कॉमा आएगा, बाकी के बीच वाली जो चीज आपको मैसेज में डालनी है यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे अब इसको हम कर लेंगे कॉल, तो फंक्शन कॉल करने के लिए ऐसे लिखते हैं proc2, और ये सेव के लिए पूछेगा। अगेन सेम फोल्डर में जाना है, लोकल डिस्क D में हमने किया था पाइथन प्रैक्टिकल 9 proc2। चलिए यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, फिर से यहाँ पे बिना एरर के ये सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं हम, जैसे कि मैं डालता हूँ 1800, अब यहाँ पे बोनस अमाउंट आ गया 90 रुपीज। चलिए देखते हैं 1800 में क्या था रेंज। तो 1800 हमारा फंसेगा इसमें 1001 to 3000 में। तो यहाँ पे 1800 का 5% तो 18090। तो इस हिसाब से यहाँ पे 90 रुपीज आ गए। तो ये चलिए ये भी प्रोग्राम हो गया है। अब इस कोड को आपको क्या करना है, आपको आंसर शीट दी जाएगी, उस आंसर शीट में सेम कोड लिख देना है और आउटपुट में भी जो आया है वो लिख देना है। ये चीजें आपको कर लेनी है आंसर शीट में और इसको सेव करके वहां रखिए, मैं उसको अटैच कर लूंगा। चलिए लास्ट प्रोग्राम यहाँ देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन अ स्पेसिफिक रेंज। आस्क यूजर टू एंटर स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दोनों यहाँ यूजर को डालना है। तो ये वो वाला प्रोग्राम हम यहाँ करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ नई फाइल ले लेता हूँ, इसे क्लोज कर लीजिए। उसके बाद चले जाते हैं अपन इसमें, फाइल न्यू शुरू करेंगे, def prog3 करके कर लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज पूछनी है, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। तो स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होगी, तो यहाँ पे डाल देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट sp इक्वल टू इंटीजर इनपुट डबल कोट्स। देखिए मेरा जरा से भी इधर उधर नहीं होता है, डबल कोट किया, क्लोज तुरंत कर दिया, एंटर द स्टार्ट वैल्यू। तो आप भी ये फॉलो करिए, ये मत कहिए कि सर आपको सब कुछ मतलब आपका एक्सपीरियंस ये है, ये मत कहिए, आप ये फॉलो करिए जो मैं कह रहा हूं, ताकि ये मेरे एक्सपीरियंस से ही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे करें तो एरर नहीं आएंगे। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करिए, फिर क्लोज कर दीजिए, दोनों ब्रैकेट आपको बीच में लिखिए जो जो चीजें जैसे आती है। ओके, एंडिंग पॉइंट ईपी इक्वल टू इंटीजर, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज डबल कोट एंटर द एंड वैल्यू। तो सीरीज एंड और स्टार्टिंग यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, ऑड नंबर हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लेंगे फॉर लूप। तो यहाँ पे फॉर लूप इजी रहता है, फॉर आई, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे आई इक्वल टू 1 कर सकते, या तो आई इन, इन इजी रहता है, आई इन रेंज यहाँ लिख सकते हैं आप, और रेंज के बाद यहाँ लिख दीजिए स्टार्टिंग वैल्यू क्या है अपनी एसपी, एंडिंग वैल्यू क्या है ईपी। तो ये रहेगा, उसके बाद कॉलन। तो यहाँ पे मैंने ये दो वैल्यू रेंज स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, तो ये दोनों जो आपने ऊपर लिए है वो यहाँ डाल देने हैं। उसके बाद अब हमें चाहिए सिर्फ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, इफ आई मॉड्यूल बाय 2 नॉट इक्वल टू 0 सो दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए कोड हम डालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ डालेंगे कि सीरीज जनरेट करनी है। तो यहाँ पे से उतना ही कहा था, जनरेट प्रिंट सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स। ओके, तो ऑड नंबर ही हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंट आई। तो ये हो गया यहाँ पे अपना कंप्लीट। और यहाँ पे कर लीजिए रेंज, सॉरी नॉट रेंज, प्रोग थ्री। तो इसे भी सेव कर लेंगे और यहाँ पे डी ड्राइव में है पाइथन प्रैक्टिकल prog3। एंटर द स्टार्ट वैल्यू 10, एंडिंग वैल्यू 25। यहाँ पे देखिए 10 से लेकर के 25 के बीच के सारे ऑड नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो ये थे 3 प्रोग्राम जो 5 मार्क्स में है। तो आपको ये करना है, लिखने के बाद आप आंसर शीट सबमिट करिए। उस टाइम हम वाइवा आपका कंडक्ट कर लेंगे, इन बिटवीन आपको बुलाएंगे वहां पे और हर एक को कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे, आपने जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स किए हैं उसके ऊपर से, और आपने जो प्रैक्टिकल फाइल हमें भेजी है उसके ऊपर से। चलिए नेक्स्ट यहाँ रिटन टेस्ट का देख लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, एरिथमेटिक, ये असाइनमेंट है, ये रिलेशनल है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे अगेन एरिथमेटिक ऑपरेटर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग लाइन, ए इक्वल टू 5 प्रिंट ए इन ए, फिर ये डबल स्टार का यूज क्या होता है, पावर। तो यहाँ पे ए का क्यूब काउंट करेगा, क्यूब कंप्यूटेशन लेगा। तो क्यूब क्या आएगा, ए का ए वैल्यू 5 है तो उसका क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 प्लस ये आएगा 5 डिवाइड बाय 5। तो सबसे पहले 5 डिवाइड बाय 5 होगा प्लस 125, तो आउटपुट 126 आएगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद यू कैन स्टार्ट अ वेरिएबल विथ अ नंबर एंड अल्फाबेट इन द पाइथन। तो ये ट्रू या फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट से तो स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन वेरिएबल। तो यहाँ पे पाइथन वेरिएबल वैलिड कौन सा नहीं है, तो अंडरस्कोर माइनम इट इज करेक्ट यूज कर सकते हैं, माइनम कर सकते हैं, माइनम ये भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते क्योंकि बीच में स्पेस आ गया। तो कहीं पर भी आप वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं रख सकते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। उसके बाद द रिजर्व वर्ड्स फ्रॉम पाइथन इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड कीवर्ड्स, इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर आएगा कीवर्ड। व्हाट विल बी द आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा व्हेन द इनपुट इज 7, 5 एंड 11। तो आउटपुट जब आपका 7 है 5 है 11 है तो आउटपुट क्या आएगा। फर्स्ट देखिए मंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ 6 और 9 के बीच में कोई आपका इनपुट है तो टर्म 1 आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई इनपुट है क्या, हाँ एक इनपुट है 7। तो जब 7 डालेंगे तब आउटपुट आएगा टर्म 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 10 और लेस देन इक्वल टू 3 के बीच में जो वैल्यू है यहाँ पे, तो 11 और 5 दोनों केस में यहाँ पे यही आएगा टर्म 2। तो 11 डालेंगे तो भी टर्म 2 आएगा, 5 डालेंगे तो भी टर्म 5 में ये नहीं आएगा, सॉरी। तो 5 में यहाँ कुछ आउटपुट नहीं आएगा, वैकेशन आएगा क्योंकि 5 का कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेम द इटरेटिव स्टेटमेंट अवेलेबल इन पाइथन, पाइथन में इटरेटिव स्टेटमेंट क्या क्या है, तो फॉर एंड वाइल ये दो इटरेटिव स्टेटमेंट है। उसके अलावा अगर ऐसा पूछे कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, तो इफ एलिफ, ये उसके कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एलिफ एल्स, तो इफ एल्स भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8, दिव्या इज वर्किंग ऑन पाइथन प्रोग्राम वेयर शी नीड टू स्टोर नंबर ऑफ डेज इन मंथ इन वेरिएबल नंबर ऑफ डेज, सजेस्ट हर पाइथन स्टेटमेंट टू डू दिस। तो ये काफी सिंपल है, आपको क्या करना है यहाँ पे सीधा लिख दीजिए नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर डेज इक्वल टू, उसके बाद क्या स्टोर कर रही है, तो स्टोर नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे सामने मंथ का नाम लिख लीजिए और इस प्रकार से यहाँ जैसे कि 12, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट पाइथन कोड टू प्रिंट एनुअल एग्जाम 10 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप और फॉर लूप दोनों से करना है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पे 10 टाइम्स हमें करना है, तो इसी के ऊपर मैं कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए फॉर आई इन रेंज, रेंज यहाँ पे आ जाएगी। हमने कितने बार पूछा है 10 टाइम्स, तो 1 और 10। अब यहाँ पे सीधा लिख देना है प्रिंट, जो मैसेज प्रिंट करने के लिए बोला है उसे लिख लीजिए एनुअल एग्जाम। तो ये हो गया आपका फॉर लूप से, ये देखिए एनुअल एग्जाम 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। वैसे वाइल अगर करना है तो वाइल के लिए हम करेंगे यहाँ पे i इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे रेंज। अब यहाँ पे हम करेंगे वाइल i < 10 तो इस प्रकार से करेंगे 10, और एनुअल एग्जाम जो है यहाँ पे लिख दीजिए आप, तो इस प्रकार से करेंगे। और हमेशा फॉर लूप में याद रखिएगा रेंज में +1 वैल्यू डालिए, अगर 10 मांगा है तो 11 डालना पड़ेगा, वो मैंने आपको उस टाइम बताया था, यहाँ पे मिस हो गया है लेकिन याद रखिए आपको वो करना है। तो +1 वैल्यू डालिए, अगर लास्ट नंबर नहीं आएगा। और यहाँ पे एनुअल एग्जाम वही रहेगा सेम, और लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे i इक्वल टू आई प्लस वन। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। रेंज वाला मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार कैसे आपको 4 के साथ करना है। और i इक्वल टू 1, ओके आई इन रेंज 1 और 11, ताकि 11 तक जाएगा तभी 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लास्ट में कॉलन मत भूलिएगा। देखिए इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे इंटीजर मैंने लिख दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए वाइवा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, तो जो प्रोग्राम आपने किए होंगे उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन मैं आपको वर्बली पूछ लूंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल फाइल सबमिशन जो मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, वीडियो 15 प्रोग्राम वो आपको करके भेजने ही भेजने MS Word फाइल में, वो आप भेज दीजिए, उससे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है पर इतना प्रोग्राम आपने भेजा है 15, तो उसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिकल में आप जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर से 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम जितने भी होंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। और वाइवा यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर से ही पूछूंगा। तो ये था आपका AI का पेपर, आशा रखता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चलिए यहाँ पे आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।